दोस्तों आईपीएल के इतिहास का 14 सीजन खत्म हो चुका और 14वां सीजन चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2008 से लेकर 2021 तक के विनर टीम और रनर अप कौन सी टीम रही। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आईपीएल के पहले सीजन की विनर थी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग उस सीजन में फर्स्ट रनर अप थी। वहीं आईपीएल के सीजन 2 की विनर डेक्कन चार्जर्स थी। डेक्कन चार्जर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा कर ये खिताब अपने नाम हासिल किया था। वहीं 2009 का आईपीएल इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फर्स्ट रनर अप थी उस सीजन में। वहीं तीसरे सीजन की विनर चेन्नई सुपर किंग थी। चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हरा कर चेन्नई पहली बार आईपीएल की चैंपियन उस सीजन में बनी थी। वैसे चेन्नई सुपर किंग ये दूसरी बार फाइनल मुकाबला खेल रही थी उस टाइम पे। वहीं आईपीएल 2011 यानी कि चौथे सीजन की विनर भी चेन्नई सुपर किंग ही थी। उस सीजन में चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ था और वह मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम में खेला गया था और चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला जीत गई थी। लगातार दो बार आईपीएल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग बन गई थी। आईपीएल 2012 की विनर कोलकाता नाइट राइडर्स थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग को हरा कर फाइनल जीती थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग उस सीजन में फर्स्ट रनर अप थी। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच में ये मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम में खेला गया था और चेन्नई को इसमें हार मिली थी और चेन्नई सुपर किंग फर्स्ट रनर अप थी उस सीजन में। वहीं आईपीएल 2013 की विनर मुंबई इंडियंस थी। मुंबई इंडियंस पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी थी 2013 में। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच में ये मुकाबला खेला गया था और यह मुकाबला कोलकाता के स्टेडियम में था। आईपीएल 2014 की विनर कोलकाता नाइट राइडर्स थी। कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना किंग्स इलेवन पंजाब के साथ था। किंग्स इलेवन पंजाब को हार मिली तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई और यह मुकाबला बेंगलोर के स्टेडियम में खेला गया था और किंग्स इलेवन पंजाब पहली बार आईपीएल चैंपियन बनते बनते रह गई और फर्स्ट रनर रही। वहीं 2015 की विनर मुंबई इंडियंस थी। मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग के साथ था और चेन्नई सुपर किंग को फर्स्ट रनर अप रहना पड़ा तो वहीं मुंबई इंडियंस दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बन गई और यह मुकाबला कोलकाता ये स्टेडियम में खेला गया था। वहीं अब बात कर लेते हैं 2016 की। तो आईपीएल 2016 की विनर सनराइजर्स हैदराबाद थी। सनराइजर्स हैदराबाद दो बार आईपीएल की चैंपियन बनी और इसका सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ था और यह सबसे बेहतरीन बात है कि यह मुकाबला बेंगलोर के स्टेडियम में ही खेला गया था और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला जीत लिया। तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को फिर से फाइनल मुकाबले में हार मिली। आईपीएल 2017 की विनर मुंबई इंडियंस थी। फिर से मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी थी और इसका फाइनल मुकाबले में सामना राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के साथ था जो अब आईपीएल में नहीं दिखाई देती है टीम और यह मुकाबला हैदराबाद के स्टेडियम में खेला गया था और मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी तो राइजिंग पुणे फर्स्ट रनर अप रही। मुंबई 2018 की विनर चेन्नई सुपर किंग थी। चेन्नई सुपर किंग का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ था फाइनल मुकाबले में और यह मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में खेला गया लेकिन तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ही बनी। और आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग 2016 और 2017 में बैन थी और 2018 में आते ही चेन्नई सुपर किंग फाइनल मुकाबला और तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई। वहीं 2019 में मुंबई इंडियंस विनर बनी। मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग के साथ था और यह मुकाबला हैदराबाद के स्टेडियम में खेला गया। वैसे ये चौथी बार मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी और चेन्नई सुपर किंग फर्स्ट रनर अप रह गई। वहीं 2020 की विनर वापस मुंबई इंडियंस थी। मुंबई इंडियंस पांचवी बार आईपीएल की चैंपियन बनी जबकि दिल्ली कैपिटल का सामना था मुंबई इंडियंस का फाइनल मुकाबले में। दिल्ली कैपिटल को हार मिली तो वहीं मुंबई इंडियंस पांचवी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई और यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। आईपीएल 2021 की विनर टीम चेन्नई सुपर किंग थी और चेन्नई सुपर किंग का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच था और कोलकाता नाइट राइडर्स को हार मिली तो वहीं चेन्नई सुपर किंग चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया तो वहीं कोलकाता नाइट का तीसरी बार का चैंपियन बनने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों ये रहे 2008 से लेकर 2000
21 तक का सफर कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम रनर अप रही, इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको क्या लगता है आने वाले सीजन में कौन सी टीम और कितनी बार आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।